जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसके न्यूज में। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज रद्द हो गई। अब पाकिस्तानी मीडिया का रो रो कर बुरा हाल है। पाकिस्तानी मीडिया इंडिया को दोष दे रहा है कि इंडिया के कहने पर न्यूजीलैंड पाकिस्तान से भाग गया। तो चलिए फ्रेंड, पाकिस्तानी मीडिया की मज़ेदार वीडियो देख लेते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद जय भारत। 18 साल का तवील इंतज़ार, बेहतरीन सिक्योरिटी, बैनुल अक्वामी क्रिकेट टीमों का कामयाब दौरा पाकिस्तान, शायकीन क्रिकेट की नज़रें और खेल से मोहब्बत। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने किसी की भी लाज ना रखी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान जुमे को पहले एक रोज़ा मैच के आगाज से सिर्फ चंद घंटे पहले खेलने से इनकार कर दिया, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में। टीमों के वक्त पर ग्राउंड पर ना पहुंचने पर ये इत्तला आई कि कोविड की वजह से मैच मनसूख हो सकता है, लेकिन फिर कुछ देर में मैच, फिर सीरीज़ और आखिर में दौरा ही मनसूख करने की खबरें आ गईं और इसकी वजह बनी सिक्योरिटी खदशात। इत्तला के मुताबिक बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से न्यूजीलैंड क्रिकेट को सिक्योरिटी अलर्ट दिया गया। हालांकि बरतानवी हाई कमीशन ने ऐसी तमाम खबरों की तरदीद की। उनका कहना था कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को जो भी इत्तला मिली वो आज़ाद ज़राए से मिली। पीसीबी और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के हुक्काम के दरमियान तवील बातचीत हुई, यहाँ तक कि दोशंबे में मौजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म से बात करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म से बात की, मगर न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बात ना मानी और दौरा मनसूख कर दिया। इतने दिनों से ये लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं और तीन तीन प्रैक्टिस सेशन मेरे ख्याल इन्होंने किए, पाकिस्तान टीम ने भी किए, न्यूजीलैंड ने भी किए। उस वक्त तो किसी ने नहीं बोला कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट है। और अगर सिक्योरिटी अलर्ट जो होता है वो नॉर्मल उनकी तरफ से तो नहीं आता ना, वो तो आप कैपिटल में खेल रहे हैं, कैपिटल में आपकी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आपको प्रेसिडेंट किस्म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो मेरा मतलब पाकिस्तान की सुननी चाहिए ना कि उधर सुनने। मुझे तो ऐसा लगता है ये कोई खेल है जो कोई खेल रहा है। ये न्यूजीलैंड मेरे ख्याल खुद ऑन इट्स ओन तो शायद ना कर पाए, लेकिन मुझे लगता है कि वो काफी दबाव में है इधर उधर से कि नहीं खेलो, लेकिन मायूस को ना, बहुत मायूस को ना। श्रीलंका आई, बांग्लादेश आई, जनूबी अफ्रीका आई, जिम्बाब्वे आई और PSL के मुकाबले पाकिस्तान में मुनक्किद हुए, तो ये तो बड़ी हैरान कन बात है कि आप हमारे मेहमान हैं, हम आपको हर तरीके की यकीन दहानी करा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी आपको सिक्योरिटी अलर्ट मिला है। हालांकि न्यूजीलैंड की तो ये मेरे ख्याल बहुत सारे एक्टिव खिलाड़ी तो आए भी नहीं है, तो ये सेकंड स्ट्रिंगर टाइप जो आए हुए हैं इनको पता नहीं किस किस्म का प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में कि प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड, हालांकि वो मुसलमानों का बहुत करती है, उन्होंने किया भी है उधर, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान ने उनको बात की है तो उनको यकीन दहानी हो जानी चाहिए कि ये फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी। अपना रऊफ ने तो बहुत लंबा चौड़ा इसने डिप्लोमेटिक कोर की चीजें बता दी। मेरे ख्याल में कोई गेम तो है जो लोग खेल रहे हैं। देखो आप, एक तो फैन का तो चलो छोड़ो ना, रेवेन्यू देखो, 18 साल के बाद आपकी रिवाइवल हो रही है, एक मेजर टीम आ रही है यहाँ और इतना जोश इतना खरोश, तो मेरा मतलब है कि एन दो तीन घंटे पहले आप ये कह दें कि जी यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट है। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान से बात तो करना चाहिए थी, और जिस तरह उनकी टीम आज़ादाना आ रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, जो माहौल उनको फराहम किया गया था, ये तो ज्यादती हो गई। देखिए, मुझे इसमें 1% भी शायबा नहीं है कि इसके पीछे इंडिया मुलव्वस है, और मेरा ख्याल है कि जो हमारा दुश्मन है वो हर लहजा तैयार है और हर वक्त किस जो भी आपका लूज पुल देखता है उसी पे वो अटैक करता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दोशंबे से न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म को फ़ोन किया, लेकिन अफसोस कि उन्होंने कान नहीं धरे और उन्होंने एक तरफा फैसला कर दिया। हम देखते हैं दुनिया के जो टॉप के चोटी के जो मैगजीन्स हैं टूरिज्म के ऊपर, वो लिखते हैं कि पाकिस्तान नंबर वन डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो ये सारी चीजें देखते हुए इस कदर बेहतरीन सिक्योरिटी हालात और टॉप से कुछ देर पहले ये एक तरफा फैसला कर लेना, बावजूद इसके कि पहले अपनी तसल्ली भी की हुई है, सब चीजें की हुई है,
ये समझ से बिल्कुल बालातर चीज है। पाकिस्तान को हर सूरत इस चीज को पाकिस्तान उठाएगा, आईसीसी में भी उठाएगा और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी उठाएगा, क्योंकि यही आप जानते हैं कि इंटरनेशनल जो क्रिकेट है वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिससे मैसेजिंग जाती है। आज जो मैसेज गई है पाकिस्तान के या न्यूजीलैंड के विदड्रॉ करने से, ये बड़ा गलत हुआ है पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान इसको आलमी सतह पर भरपूर तरीके से इस चीज को उठाएगा। मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्स पर किसी भी किस्म की इस तरह की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और इसका जितना सख्त पाकिस्तान को हर लेवल पर, मेरा ख्याल है कि यूएनओ के प्लेटफॉर्म पे और आईसीसी में भी पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए और अपना मौका बड़ा खुलकर बयान करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है रऊफ आपने। और क्रिकेट टीम ने आज वनडे सीरीज के पहले मैच से कुछ देर कब एक तरफा तौर पर पहले मैच फिर दौरा ही मनसूख करने का ऐलान कर दिया। बज़ाहिर सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की जानिब से यह फैसला किया गया है, जहां एक जानेब दुनिया भर से नामवर खिलाड़ी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के इस एकतरफा फैसले की मुजम्मत करते हुए इसे क्रिकेट की शिकस्त करार दे रहे हैं, वहीं आने वाले 24 से 48 घंटे इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के हतमी फैसले के हवाले से भी बहुत अहम है। और पाकिस्तान उस सारी चीज से एक बुरे वक्त से निकला, पाकिस्तान में फुल स्केल इंटरनेशनल क्रिकेट भी बहाल हुई, टूरिज्म भी ऊपर जा रहा है, इस बीच कौन चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ ये हो, वो चाहेगा भारत। Exactly. ये है अभिनंदन मिश्रा ये लिखते हैं संडे गार्डियन लाइव, इनकी ये जो ये वेबसाइट है, कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में, तो ये अच्छा ये एक फेक न्यूज हुई ना, देख लें फेक न्यूज का डैमेज क्या होता है। ये भारत हर सतह पे कोशिश करता है कि पाकिस्तान को नुकसान हो, ठीक है, तो इस पूरी चीज में ये पस मंजर हमें सामने रखना चाहिए। लेकिन न्यूजीलैंड का ये जो फैसला है कि बिल्कुल एक तरफा फैसला, इतने सख्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बावजूद क्यों इत्मीनान इसका इजहार आज नहीं किया गया, और वो भी कुछ मिनट पहले मैच से? ये खुद से कैसे क्रिएट करके खुद ही फैसला करना, और उसके ऊपर देखो पाकिस्तान जितनी उनको श्योरिटी दे सकता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहां से दूसरे मुल्क में इतने बिजी स्केड्यूल से न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को फोन किया, उनको श्योरिटी दी, फिर क्रिकेट बोर्ड ने जो सीईओ है न्यूजीलैंड के क्रिकेट के उनको बताया कि ऐसी कोई थ्रेट नहीं है, और उसके बावजूद आप एक आई डोंट नो खुद से ही क्रिएट किया हुआ डिसीजन, और आप विद इन फ्यू मिनट्स आपने फैसला लिया, ये कैसे हो सकता है? समथिंग एल्स। पीसीबी इस मामले को टेकअप करेगा आईसीसी के साथ, ये तो फैसला हो चुका है, और आईसीसी के साथ टेकअप करेगा क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पे। दूसरा, हमें सफारती सतह पे हम इसको पाकिस्तान टेकअप करेगा आलमी सतह पे हर जगह। देखिए ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, ये पाकिस्तान पे एक गलत किस्म की बात की गई है, वो मुल्क जिसकी सिक्योरिटी सिचुएशन इस कदर जबरदस्त है उसके ऊपर ये बात की गई है, तो ये क्रिकेट से भी आगे की बात है, ठीक है। बाकी देखें चीज ये है कि जो हमारे पास जो सारी इसकी कड़ियां भी जो मिल रही हैं, जो मैंने आपके सामने ये भी रखा, तो ये तो जाता है भारत की तरफ जाता है, और किस तरह से वो प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान के खिलाफ काम करता है। तो पाकिस्तान इस मामले को उठाएगा, दोनों सतहों पे उठाएगा, क्रिकेट की सतह पे भी उठाएगा आईसीसी के साथ, और सफारती सतह भी पाकिस्तान अपनी पोजीशन इस पे लेगा। पाकिस्तानियों को अपने जज्बे नहीं छोड़ने, क्योंकि हमारी कौम वो कौम है जिसने इतना मुश्किल वक्त काट लिया, जो पीछे तो बहुत मुश्किल टाइम था हमारा, उससे हम निकले, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, ये भी हल हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमारे सारे कमेंटेटर्स को, सारे प्रेजेंटर्स को, सारे मीडिया वालों को पाकिस्तान के केस को बड़ा स्ट्रांगली दुनिया के सामने पेश करना है। इस वक्त तो हम शुरू से इंडिया क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करता रहा है, क्योंकि एक फोरम है क्रिकेट का जो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल जो मैसेज जाते हैं, जो चीजें जाती हैं, वो क्रिकेट बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और वो ऐसे ही लेजेंड्स की वजह से है। 92 की वर्ल्ड कप टीम जब फाइनल जीती, और एक क्रिकेट कप पाकिस्तान में जो है उसके बाद 10 साल तक हमने देखा, जो कि और उस बीच भी हमने देखा कि किस तरह से जो हिंदुस्तान है वो उसको तकलीफ होती रही, और आज फिर एक बार दोबारा उसको ये तकलीफ है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट फुल स्केल बहाल हो गई है, तो इस पे सबसे ज्यादा तकलीफ तो हिंदुस्तान को ही है, तो डेफिनेटली इसके पीछे कहीं ना कहीं वही लगे हुए हैं, लेकिन हमारे हौसले जो हैं वो तो बुलंद हैं, और इंशाल्लाह हमारे यहाँ